तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? नहीं, ब्लैंकेट है ना। कहाँ से मिला तुम्हें? मरियम आपा ने दिया है। बताओ कैसा लगा? मरियम आपा, इतना खूबसूरत बजाना कहाँ से सीखा है आपने? लंबी कहानी है ये, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी मैं। एक प्रोड्यूसर की तलाश में हूँ जो मुझे पैसे दे और मैं बजाती रहूँ। बुरा नहीं मानना और नहीं बजाऊंगी। और ये बताओ, आप कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हो ना? शुक्रिया, बहुत बेहतर हूँ अब मैं। कैसे शुक्रिया अदा करूँ मरियम आपा, इस मोटरसाइकिल का बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसा करना, एक दिन मुझे इस पे बिठा के चक्कर दिलाना मोहल्ले का। हाँ, दिलाओगे ना? थोड़ा मैं भी तो भरम मारूं। मोहल्ले की सारी लड़कियाँ साथ देख के जल जाएंगी, क्या कहते हो? सही 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 करेंगे। चलो ठीक है, अब जल्दी जाओ जाओ, ख्याल रखना और इस प्यारी लड़की का भी। शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज़। चलिए खुदा हाफिज़। अगर कुछ हो जाता तुम्हें? तुम होने ही नहीं देते, जानती हूँ मैं। अगर ऐसा होता खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। लेकिन क्यों? देखा नहीं कभी तुम्हें? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है ना कि तुम मेरी हो जाओ? सुबह बखैर। अम्मी आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं जाकर ले आता बाहर से। बेटा कल रात तुम देर से आए थे, इसलिए मेरा दिल नहीं किया कि तुम्हें उठाऊं। क्या तुम ठीक हो? अब कैसी हो मेरी बच्ची? ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं जरा दुकान गई थी, नाश्ता लेके आई हूँ सबके लिए। अम्मी आपने क्यों तकलीफ की? मुझे जगा दिया होता मैं जाकर ले आता। तकलीफ तो कोई नहीं हुई मेरे बच्चे। ब्रेड, ऑलिव्स, चीज सब लाई हैं आप। रोहिता, ये दिन भी गुजर जाएंगे। गुड लक आप सबको। इन्होंने तो अस्पताल के बिल्स नहीं दिए, हम खाएंगे कहाँ से? मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा, खाली पेट कहाँ जा रहे हो? कोई काम ढूंढने में। सईद बेटा, इतने बड़े शहर में कहाँ जाओगे, क्या काम मिलेगा? Thank you.
आ जाओ, आके नाश्ता कर लो, तैयार कर दिया है बच्चों। तुम कहाँ जा रही हो? ताजी हवा लेने। ज्यादा दूर मत जाना। तो अब हम भूखे ही नहीं कैदी भी हैं इस घर में, सामने ही रहूंगी। जरा रुको बेटा, ये ओढ़ लो, बाहर बहुत ठंड है। मुझे जाने का नहीं कहेंगे, इतना सब कुछ होने के बाद भी। अपने मुंह से कैसे कहूंगी? मैं चली जाऊंगी, मैं यहां नहीं रहूंगी बिल्कुल भी। बेटा मैं सब जानती हूँ, सब समझती हूँ। मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है, देख रही हूँ मैं भी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कसूर नहीं है बेटा, हम नहीं जानते मोहब्बत कब और कहां मिलेगी। ये आपको उस वक्त ढूंढती है जब आप सबसे ज्यादा कमजोर हो। और फिर कभी नहीं जाती। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, सईद के बाप को इसी तरह देखती थी जैसे तुम सईद को देखती हो। मेरे वालिद ने मेरा हाथ देने से इनकार कर दिया था और मोहम्मद ने मुझे अंधा कर दिया और मैं सईद के बाप के साथ भाग गई। मोहम्मद की कदर जानती हूं मैं, इसीलिए तुम्हें जाने का नहीं कहूंगी और ना ही मैं तुम्हारी तरह खुशकिस्मत थी। उसको प्यार समझने मेरी गलत फहमी थी। जब आप भाग गई थी घर से तो क्या हुआ आपकी फैमिली का? मैंने बहुत छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया था और भाई देखने नहीं जाता था क्योंकि मैं भाग गई थी। उसने अपना सामान उठाया और इस्तांबुल चला गया। मेरी एक बहन है और कभी कभी उसे मिलने चली जाती हूँ। उस दिन के बाद से वालिद को देखा भी नहीं मैंने, पता नहीं वो कहाँ है। कोई नहीं खा रहा, मैं फेंक देती हूँ। सर खाऊंगी मैं। लो बेटी। फिर भी तुम्हें क्या लगता है कब तक मुकम्मल होने का इम्कान है? हमारी तो पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द हो जाए। जितनी जल्दी हो सके हमें इसे मुकम्मल करना है। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि काम हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। काफी बड़ी जगह है। हाँ जगह तो काफी बड़ी है, लेकिन मुझे इसका नक्शा कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ ये तो सही कह रहे हो तुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम है आपको? फोरमैन बेहदत साहब से मिलना है मुझे। हाँ मेरे साथ। शुक्रिया। समझ गए ना? जी समझ गया। और हाँ हार्ड हैट पहनना मत भूलना। जी ठीक है। ठीक है जाओ। सुने उस्ताद, ये भाई आपसे मिलना चाहते हैं। जाओ अपना काम करो। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद हूँ, आदिल ने भेजा मुझे आपके पास। हाँ मजदूरी के लिए आया हूँ ना? जी। इससे पहले कभी मजदूरी की है? बिल्कुल जी। रोजाना दिहाड़ी मिला करेगी तुम्हें?
जी शुक्रिया, ठीक है। और तुम्हें यहाँ पर सुबह 8 से शाम 5 तक काम करना होगा। शुक्रिया। चलो मुबारक हो तुम, आओ मेरे साथ, ऐसा करो आज से शुरू कर दो काम। बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों दसदा नहीं मैनू किथे लग तेरा दिल गया वे, मैनू लगदा